हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्विमिंग विद पिंकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक सिंपल कुर्ती की कटिंग के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ये 1-2 मीटर कपड़ा लिया है और हम सबसे पहले कुर्ती के अगले भाग की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड किया है और इस कुर्ती में फ्रेंड्स ये कढ़ाई थी यहाँ पे, जो कि हमने सेंटर में रख के इसको फोल्ड कर लिया है। हमें ये 42 के आसपास लंबाई की मतलब कमीज तैयार करनी है। और चलिए अब मैं आपको कुर्ती की कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 42 लिया है। हम 41 या 41.5 का कमीज तैयार करेंगे और मैंने इसकी लंबाई माप ली है दोनों तरफ से। ये 42 हो गया हमारा और अब हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम तीरा लेंगे जो कि नाप के हिसाब से हमारा 6-2 इंच है और यहाँ से हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने 7.5 लिया है और जितना यहाँ से 6-2 लिया है उतना ही हम यहाँ से लेंगे 6-2। और अब इसको एक ऐसे सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम अपनी फिटिंग के हिसाब से लेंगे जितनी की हमारी फिटिंग होती है। जैसे कि अगर हमारी फिटिंग 40 है तो हम उसका 1/4 भाग लेंगे यानी कि 10 लेंगे। मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ और इसको ऐसे यहाँ से 1.25 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे और ये हमारा तीरा ऐसे तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ये 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और हमारा जितना मतलब हम चेक लेके अपने हिसाब से चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे। कट कर रही हूँ। यदि आपको कुछ भी कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई जरूर दूंगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।